चलिए तो फिर आ गए हम आपके पास एक नई रेसिपी के साथ। तो आज हमारी रेसिपी है मटर पनीर देसी स्टाइल। तो चलिए अपने अपने अनुसार हम बताते हैं कि हम कैसे बनाते हैं मटर पनीर। तो हमारी ये 200 ग्राम पनीर है और 200 ग्राम मटर है। तो चलिए बनाते हैं। चलिए पनीर के लिए हमने 3 प्याज और 2 टमाटर ले रखा है। तो जितने हमारे पनीर है उसके अनुसार हम ग्रेवी के लिए अपने अनुसार ले लिए हैं, आप अपने अनुसार ले सकते हैं। तो चलिए पहले हम ये 2 प्याज को अच्छी तरह से पीस लेंगे ताकि ग्रेवी में ये काम अच्छे से आए। 2 प्याज को अच्छी तरह से पीस लिया जाए। चलिए तो हमारी प्याज हल्की पिस गई है, ऐसे दरदरे हो तो कोई बात नहीं, हम फ्राई करेंगे अभी प्याज को। चलिए अब इसमें टमाटर पीस लेंगे हम। टमाटर को भी हम पतले पतले स्लाइस करके डालेंगे ताकि पेस्ट बढ़िया से हो जाए। चलिए तो टमाटर को भी हम पीस लेते हैं। चलिए तो हमारी टमाटर भी पिस गई है। अब बची 1 प्याज, तो इसको क्या करेंगे कि हम बारीक बारीक कट कर लेंगे। इस तरीके से हम कट कर लेंगे एकदम बारीक बारीक। तब हो गई ये। अब आती है पनीर की बारी। पनीर को हम चकोर अपने कट के अनुसार आप बड़े टुकड़ों में काट सकते हैं, छोटे टुकड़ों में काट सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। चलिए इस टुकड़ों में इस तरीके से हमने पनीर को काट लिया छोटे छोटे टुकड़ों में। अब चलते हैं फाइनली बनाने। तो पहले हम पनीर को फ्राई करेंगे। चलिए तो हम कढ़ाई को पहले अच्छी तरह से गरम कर लेते हैं। अब डालेंगे मटर पनीर। बनाने के लिए आप कोई भी ऑयल इस्तेमाल कर सकते हैं, हम ज़्यादातर सरसों ऑयल में बनाते हैं, इससे क्या होता है कि टेस्ट अच्छा आता है। चलिए तो तेल हमारा अच्छे से गर्म हो गया है। अब हल्का सा फ्राई करेंगे, पनीर को ज़्यादा फ्राई नहीं करेंगे, हल्का ही फ्राई करेंगे। चलिए तो हल्का हमारा पनीर फ्राई, ज़्यादा हम पनीर को फ्राई नहीं करेंगे क्योंकि टाइट हो जाएंगे। सारे पनीर को हम निकाल लेंगे। अब इसी तेल में हम डाल देंगे मटर को, हल्का मटर भी फ्राई हो जाए। चलिए तो हमारी मटर भी अच्छी से फ्राई हो गई। अब इसको तेल से हम छान के सारे को निकाल लेंगे। चलिए तो हमने सारे मटर को निकाल ले रखा है, इसमें डालेंगे और थोड़ा सा तेल, हल्का सा, ज़्यादा तेल नहीं। अब डालेंगे इसमें बड़ी इलायची, फिर छोटी वाली इलायची हमने कूट रखा है, फिर जावित्री, शाही जीरा, लाल मिर्च, तेजपत्ता और 2 गुलौंग अच्छी तरह से
अब भून लेंगे, फिर डाल देंगे जीरा। इसमें थोड़ी सी हींग जरूर डालेंगे, क्योंकि मटर का हम लोग कभी भी गांव में बनाते हैं तो मटर चना सब्जी बनाए ना, उसमें थोड़ी सी हींग जरूर डालें। उसके बाद चॉप की हुई अदरक, अब ये जो हमने काट के रखे है प्याज को, वो प्याज डाल दें, अच्छे से फ्राई करेंगे। अब अपने अनुसार प्याज, गरम मसाला, जैसे ज़्यादा क्वांटिटी में बनाते हो तो ज़्यादा ही डालें, कम क्वांटिटी में बनाते हैं तो कम डालें। हम अपने अनुसार थोड़े थोड़े, दो लौंग, दो इलायची, दो तेज पत्ते, दो जी लाल मिर्च, ऐसे डाले हैं तो आप अपने अनुसार डालें। लेकिन हाँ, ये गांव में जैसे बनते हैं हमने उस तरीके से बताए हैं। अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगती हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में कुछ बताएं कि हमने अपनी की रेसिपी हमारी कैसी लगी। प्याज को हल्का ब्राउन करेंगे, उसके बाद ये डाल देंगे हमने पिसी हुई प्याज, और इसको भी अच्छी तरह से हम भून लेंगे। देखिए तो हमारे प्याज चौकी हुई और पिसी हुई दोनों हल्का ब्राउन हो गया। अब इसमें डालेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट, इसको भी अच्छी तरह से भून लेंगे। अब डालेंगे मसाले, मसालों में हम डालेंगे ये हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, गुलकी पाउडर, ये है गरम मसाला। अब सारी चीज़ों को हम फ्राई करेंगे। हल्का सा पानी डाल के चलिए हमारी ये फ्राई हो गई है। अब डाल देंगे टमाटर का पेस्ट, जो हमने टमाटर को पेस्ट बना के रखे थे वो हम डाल देंगे। अच्छी तरह से हम इसको टमाटर मसाले सभी फ्राई कर लेंगे। अब डालेंगे स्वादानुसार नमक, चलिए तो ये हमारा अच्छे से मसाले हमने फ्राई कर लिए। अब डाल देंगे इसमें सारे पनीर और मटर को, अब सारे मसाले मिक्स करेंगे। मटर को अच्छे से फ्राई हमने इसलिए किए हैं कि मसालों के साथ हमें जो मसाले फ्राई हो जाएंगे तो हमें देर नहीं लगेंगे मसाले और मटर को पकाने में, तो एक साथ ही ये अलग अलग नहीं तो करने पड़ते, तो एक साथ हमने सभी मिक्स करके अब 10 से 15 मिनट में अच्छे से ये पक जाएंगे। चलिए अपने ग्रेवी के अनुसार हम पानी डालेंगे। रोटी पराठा आप जिस चीज़ से खाते हैं अपने अनुसार आप पानी इसमें ऐड कर दीजिए।
हमें ग्रेवी गाढ़ी रखनी है तो हमने थोड़े से पानी डाले हैं। अब कवर करके हम 10 से 15 मिनट, 10 से नहीं 5 से 6 मिनट तक ले, आप खुल के देख भी सकते हैं, बना भी सकते हैं। चलिए तो हमारी मटर पनीर कैसे बनी, हमारी मटर पनीर बन के तैयार हो गई, देसी स्टाइल मटर पनीर। चलिए तो गैस को अब बंद करते हैं। चलिए तो अब धनिया पत्ती के साथ हम गार्निश कर देते हैं। आप रोटी पराठा किसी के साथ, अपने फैमिली के साथ बना के आप इंजॉय कीजिए। तो चलिए फिर मिलेंगे अगले नए रेसिपी के साथ आपके पास।